अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पत्थर फेंके जा रहे, गोली मारे जा रही, आगजनी हो जा रही, कई सारे लोगों की मौत हो गई, लेकिन हमारे लोगों को इसके बारे में खबर नहीं, क्योंकि हमारे लोग दूसरे न्यूज, दूसरी खबर, दूसरे पोस्ट देखने में मशगूल है, मशरूफ है। हमारे बहनों को वहां पर लाठियों से पीटा जा रहा, सड़कों के ऊपर घसीटा जा रहा, लेकिन हमारे लोग खामोश है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? वहां पे एक मदरसा था जिसके अंदर बच्चों को कुरान की तालीम दी जाती थी, वहां के बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती थी और बहुत सारे लोग वहां पे जाकर नमाज पढ़ते थे। उसको अवैध बताकर उसके ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। ये किसकी नाकामी है, ये किसकी कोशिश है? तो बात यह है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले वहां के अधिकारियों ने बुलडोजरों को मदरसे के ऊपर चढ़वा दिया, बुलडोजर से मदरसे की दीवारें गिरा दी, पतरे उड़ा दिए, हर चीज जिधर उधर तहस नहस कर दी। पहले तो फैसला आन देना चाहिए था, वहां के लोगों को मोहलत देनी चाहिए थी, वहां के लोगों को समझाना चाहिए था। तुमने ना नोटिस दिया, ना कुछ काम किया, डायरेक्ट बुलडोजर लेकर आ गए और चढ़ा दिए। अभी मुझे एक बात यह पूछनी है तमाम देशवासियों से, अगर कोई बिल्डोजर लेकर तुम्हारे घर के ऊपर आ जाए और वो तुम्हारे घर की दीवारें गिराने लगे तो तुम उसके बदले में क्या करोगे? खामोश खड़े कर देखोगे कि हाँ हाँ तोड़ो तोड़ो? और यहाँ पर हमारे देश के अंदर इसीलिए देश तो जाना जाता है कि यहाँ पे धर्म की इज्जत होती, यहाँ पे प्रथा की इज्जत होती, यहाँ पे हर चीजों की इज्जत होती, लेकिन यहाँ पे 2014 के बाद किसी चीज की इज्जत नहीं है, किसी भी चीज की इज्जत नहीं है। यहाँ पर बिल्डोजर लाया जा रहा, घरों पर चढ़वा दिया जा रहा, मस्जिदों पर चढ़वा दिया जा रहा, मदरसों पर चढ़वा दिया जा रहा, क्यों? तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। संविधान अधिकार देता 96 से 106 तक, अगर कोई तुम्हारा घर तोड़ने के लिए आए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तोड़ने के लिए आए, तो तुम अपने उसको रक्षा करने के लिए, वो चीज को रोकने के लिए स्टैंड ले सकते। अब मैं तुमको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अब वहां नोटिस नहीं दी गई, वहां पे ना किसी को समझाया गया, ना कि कोई टाइम की मोहलत दे गई, डायरेक्ट वहां पे बिल्डोजर को लेकर आया गया, इतनी सारी पुलिस की फोर्स लेकर आई गई और वहां पे डायरेक्ट मदरसे को गिरा दिया गया। अब वो गिराने के बाद वहां की जनता आक्रोश में आएगी ही, किसी की भी धर्म के साथ खेलना, उसके धर्म के चीजों को तोड़ना, ये कहां से सही है? अगर तुम वो तोड़ोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। अगर तुम ये बिना नोटिस के या बिना टाइम दिए या उनको समझाए बिना जाकर घिरा दोगे तो यही चीज होगी। तुमको यही चीज करवानी है देश के अंदर, क्योंकि तो 2014 के 24 के इलेक्शन आ चुके सर के ऊपर। अब मैं तुमको एक पोस्ट दिखाने जा रहा हूं, सबसे पहले ये पोस्ट आप देख ले, देख लिए, यह है सुधीर चौधरी। अब मुझे इसके बारे में ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है क्या है, ये पत्रकार नहीं है, चाटुकार है। अब यहां पर ये वो काम कर रहा है जो कि एक पत्रकार को शोभा नहीं देता। पत्रकार का मतलब है निष्पक्ष, उसको सिर्फ पत्रकारिता करनी है, उसको सिर्फ सच्ची न्यूज बतानी है। यहां पर यह पहले ही लाइन के अंदर यहां पर दिखा दे रहा है कि भाई देखो, हिंदुओं देखो, और किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर है अभी, उसका नाम नीचे मेंशन करके, मैं इनके साथ हूं, क्या तुम भी इनके साथ? भाई साहब, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? यहां पर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो या फिर चाट रहे हो? बहुत सारे ऐसे ट्वीट और बहुत सारे ऐसे पोस्ट वायरल चढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कई तरह की प्रतिक्रिया देने वाले कोई और ही लोग, हमारे लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम आधे इधर जाते, आधे उधर जाते, आधे इधर जाते, आधे इसके पीछे चले जाते, और बीच में कोई और जीत कर आ जाता। समझ रहे हो बात? तुम बड़ी समझदारी वाली बात है, अगर समझदार होगे तो समझ जाओगे। एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना पड़ेगा, और हमें और तुम्हें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं, तुम्हारे दाढ़ी पे सवाल उठेंगे, तुम्हारे टोपी पे सवाल उठेंगे, तुम्हारे सजदों पे सवाल उठेंगे, तुम्हारे लिबास पे सवाल उठेंगे, मस्जिदें तोड़े जाएगी, मदरसे कुछ ले जाएंगे, कुरान शरीफ की बेअदबी की जाएगी, हम खामोश रहेंगे? आज नहीं तो कल ये बारी आपके घर तक भी आ सकती। कितने सारे लोग वहां पे जख्मी हो गए, हमारे पुलिस वाले भाई भी जख्मी हो गए, वहां के लोकल लोग भी मुसलमान जख्मी हो गए, लेडीज कितने सारे जख्मी हो गए। ये सब चीजें क्यों हो रही है? सिर्फ और सिर्फ गद्दी बचाने के लिए, गद्दी को गर्म रखने के लिए।
और दूसरा कुछ नहीं है, ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन है और ना ही मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। अगर गौर से देखोगे तुम तो ये ऊपर सर के ऊपर बैठे हुए लोग जनता के दुश्मन है और कुछ नहीं। मेरा बस यही मैसेज है आप लोगों तक, यही पैगाम है कि देश के अंदर सभी लोगों ने समझदारी से काम लेना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए, भाईचारा निभाना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे ऐसे ही बढ़ेगा, ये कामों से देश नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बस नुकसान होगा। हमारे देश के अंदर की संस्कृति खराब होगी, हमारे देश के अंदर की संस्कृति जो है, पुराने जो चीजें हैं, ऐतिहासिक स्थल, वो सब नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यही चीज अगर चलते रहेंगे तो। इसके नीचे ये है, उसके नीचे वो है, उसके तल के अंदर वो है, बस इसमें अगर रहेंगे तो हमारे देश के अंदर खूबसूरती ही नहीं बचेगी। तो क्या फायदा फिर चमन बसाने से, क्या फायदा? किस चीज के लिए तुम प्राउड करते हो कि हम भारतीय? किस चीज के लिए? ये इसके लिए, आगजनी के लिए, पत्थर मारने के लिए, गोलियां बरसाने के लिए? वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। एक बंदे का इंटरव्यू लिया, लंदन टॉप को सलाम है, वो बंदे ने जाकर एक लड़के का इंटरव्यू लिया जिसके अब्बा दवाखाने में एडमिट है, उन्होंने बस गाड़ी लगा रहे थे, गाड़ी लगाकर अपने घर में आ रहे थे, पुलिस वालों ने उधर से गोली मारी, यहां से चुभी गोली यहां से निकल गई। वो बचेंगे या मरेंगे वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उनके घर वालों को अल्लाह सबर दे। ये वीडियो पूरा देखो आप, एक बार बताना भाई वहां पे, दो मिनट और बात कर सकते हो, एक मिनट और बात कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जैसे हम लोगों ने कई सारे दूसरे लोगों से भी बात की, तो लोग बता रहे हैं कि लोगों के ऊपर पत्थर चलाए गए, वहाँ के मोहम्मदन लोगों ने चलाए, मुसलमानों ने चलाए, ये लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि वो मस्जिद गिराने गए थे, अतिक्रमण थी, या मदरसा गिराने गए थे। सच है ये बात कि प्लीज बैठ जाओ, पहले आराम से बैठ जाओ भाई। और लोग तो बहुत दूर था उसमें, मतलब जहाँ पे वो, मतलब वो ये चीज पथराव वथराव जो ये जो चीज चल रही थी, उस चीज से हम बहुत दूर थे। हम तो अपने घर जा रहे थे, हमें तो कोई चीज़ तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो अपने पापा को लेके सिर्फ अपने घर जा रहे थे। जब देखा तो मेरा बड़ा भाई मेरे घर में ही बैठा हुआ था, ये के मतलब के पापा को लिया, मैं लेने जा रहा था, बस मेरे सामने मेरे पापा एकदम से गोली लगी वहाँ पे। जैसे मैंने बताया ना कि लोग जो बोल रहे हैं, जो मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग बोल रहे हैं, मैं दिल्ली से आया हूँ जी, मुझे क्या, मैं ऐसी कोई बात सुनूंगा जी? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, घर की तरफ बहुत लोग, 20-25 लोग खत्म हो गए, मेरे चाचा भी खत्म हो गए, मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। चाचा के सीने में गोली लगी, भाई के पेट में गोली आर पार। क्यों गोली मारी गई? पता नहीं सर, फायरिंग उल्टी सीधी कर रहे थे पुलिस वाले सर, जाने आने नहीं देना, घेर रखा था चारों तरफ से, बहुत बुरा हाल कर रखा। हमारे तरफ के डॉक्टर है, उनको भी मार दिया गोली, उनके भी गोली मार दिया कंधे पे। क्या नाम है आपका? मेरा सुहेल नाम है, सुहेल। हाँ ठीक। हिंसा में हर किस्म के लोग घायल होते हैं, हर तरह के लोग घायल होते हैं, हर तरह के लोग बताकत भी होते हैं। हम खांचों में बांट के देख लें, लेकिन समाज की इकाई जो है वो छोटी है। हम बने हुए देख लिए, ऐसे कई सारे वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या करना चाहिए? अगर कोई इंसान, कोई रहबर खड़े होकर बोल रहा है तो उसको बी टीम बोला जा रहा है, ये भी एक फितना है। अगर कोई इंसान खड़े होकर सामने आ रहा है कि हाँ मैं जबान बनूंगा तुम्हारी, मैं यहाँ तुम्हारे हक के लिए लड़ूंगा, जनाब मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर बोल रहे हैं तो उनको बी टीम बोल रहे हैं लोग, ज्यादा बोलने वाले अपने ही लोग हैं, क्या करा जाए? अगर अर्तकल को भी बी टीम बोले होते तो क्या अर्तकल ने और उसके बच्चों ने उस्मान सल्तनत खड़े कर दी होती? नहीं खड़े। कोशिश और जुस्तजु करेंगे तभी हो, अगर ये किसी को पैर पकड़कर लटक जाओगे तब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जरा भी नहीं होगा। अगर ये वीडियो आप लोग यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी वीडियो डाला था कि
मैं फलस्तीन के लोगों के लिए मदद के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, 30,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए, ये स्क्रीनशॉट, 30,000 रुपए। अपने को करने हैं कितने, 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर रहे हैं मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले कर रहे हैं। अगर आप भी योगदान देना चाहते, आप भी अपने जान माल का सदका निकालना चाहते, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो फलस्तीन के अंदर तड़प रहे, मर रहे, उनके लिए जिनके पास खाने को नहीं है, ओढ़ने को बिस्तर नहीं है, बिछाने को बिस्तर नहीं है, वैसे लोगों तक अगर मदद पहुंचाने के लिए साथ देना चाहते हो तो ये QR कोड है, फोन पे, जी पे आप इसके ऊपर कर सकते। और कोई अगर बंदा बाहर से देख रहा है तो अकाउंट डिटेल मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से अकाउंट डिटेल देखकर आप काम कर सकते, भेज सकते मदद, ठीक है। जज़ाकअल्लाह खैर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हक बोलो, सच बोलो, और सच बोलने वालों का साथ दो, रिका में टेकड़े वालों का साथ मत दो, बिल्कुल भी मत दो। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।